प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह से हर दिन आपके सामने सुबह वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है, इसीलिए मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ। आज का दैनिक वचन है यूहन्ना की सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स 48 में इस तरह लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जीवन का रोटी मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ के यहूदियों से बता रहे हैं, जीवन का रोटी मैं हूँ। जब यीशु मसीह संसार में थे, बहुत लोगों ने यीशु मसीह को निंदा करते थे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही है। शायद आप किसी भी रास्ता चुनो, लेकिन उद्धार यीशु मसीह से ही होती है। अनंत जीवन हम सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं, भाई हमारा विश्वास हमें है, आप कैसा ये बता सकते हैं? देखिए, इस संसार में यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आए हमारे लिए, हमारे पापों को उनके शरीर में उठाकर क्रूस पर उन्होंने अपना जान हम सब लोगों के लिए प्रभु ने दिया है। देखिए, आज अगर कोई व्यक्ति कहे तू मेरे लिए मर जा, तो क्या व्यक्ति मर जाएगा? नहीं ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के लिए, हमें बचाने के लिए नरक से, हमें उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन में प्रभु के साथ हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रभु ने उनका शरीर हमारे लिए दिया है। यहाँ प्रभु कहते हैं, जीवन का रोटी मैं हूँ। उस समय के यहूदियों ने कहा, ये तो यूसुफ का पुत्र है, मरियम का बेटा है, ये इनके घर में से आया है, ये गलीली है, नाजरेत में रहता है, लेकिन कैसा कहता है कि मैं स्वर्ग से उतर आया हूँ, जीवन का रोटी मैं हूँ, ये सब कैसा संभव है? तब यीशु ने कहा, तुम लोग कहते हो कि मूसा ने हमें मन्ना दिया, वो मन्ना मूसा ने नहीं दिया, लेकिन स्वर्ग में मेरा पिता ने तुमको मन्ना दिया। देखो, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की बात मानता है, वही मेरे पास आ सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की बात नहीं मानता, जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता, वो मेरे पास नहीं आ सकता। जिसको परमेश्वर ने मेरे बात सुनने के लिए मौका दिया है, वही सुन सकता है। वही व्यक्ति जो विश्वास मुझ पर रखता है, अनंत जीवन पाएगा। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु कहते हैं, उद्धार मैं ही देने वाला हूँ, जीवन का रोटी प्रभु है। आप जानते हैं, हर महीना पास्टर जी कलीसिया में प्रभु का भोज देते हैं, उसमें एक रोटी दाखरस देते हैं। रोटी का मतलब है यीशु मसीह का शरीर, और दाखरस का मतलब है यीशु मसीह का लहू। वास्तव में प्रभु ने कहा बाइबल में, वास्तव में तो एक वस्तु है, यानी खाने की रोटी, एक दाखरस की तरह एक नई वाचा प्रभु ने हमारे साथ बनाया है, ताकि हम प्रभु के मार्ग में चले और प्रभु की बातें माने। और वही नहीं, हर महीना जब आपके चर्च में प्रभु का भोज देते हैं, तब आपको पास्टर जी कहते हैं, अपने आप को चेक करो, अपना विवेक को परख लो, आपका दिल कैसा है। अगर आपका दिल परमेश्वर से ठीक नहीं है, इसी वक्त परमेश्वर से पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो, और फिर अपना संबंध प्रभु से बनाए रखो, और इस रोटी और दाखरस में भाग लो, कहकर पास्टर जी कहते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर से संगति बनाए। जीवन का रोटी प्रभु है। जो कोई रोटी खाए, वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई व्यक्ति जीवन का रोटी इनकार करेगा, वो नरक में डाला जाएगा। आज परमेश्वर ने आपको रास्ता दिया है। ये सच्चाई है, ये झूठ है, ये जीवन है, ये मृत्यु है। चुन लो, तुम जो चाहे, जो मार्ग चाहे, उसे चुन लो, कहकर प्रभु आपसे बता रहे हैं। यदि आप बपतिस्मा लिए हैं और भी आप झूठ बोल रहे हैं, आप उद्धार पाने के बाद आपका गवाही नहीं है, तो परमेश्वर कहते हैं, जीवन का रोटी मैं हूँ, मेरी बातों को मान, तू मेरा वचन पढ़, मेरे मार्ग में चल, तब तुझे मैं अनंत जीवन देने वाला हूँ। मेरे बातों पर विश्वास रख। क्यों आपको मैं हर दिन दैनिक वचन के द्वारा कुछ बातें बाइबल में से बता रहा हूँ? ताकि आप परमेश्वर की बातों को और भी अच्छी तरह से पढ़े, परमेश्वर की संगति में रहे, और आप, मैं, हम सब मिलकर अनंत जीवन में एक दिन प्रभु के साथ रहना है। यही मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और अनंत जीवन में हम सब प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के बारे में। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने एक सुंदर वचन के द्वारा हमसे बातें किया है। जीवन का रोटी मैं हूँ पिता,
हमारे पापों के लिए, हमें नरक से बचाने के लिए इस संसार में आया हुआ जीवन का रोटी आप है प्रभु। मैं आपकी स्तुति करता हूँ परमेश्वर। प्रभु आपने 2020 साल पहले हमारे लिए संसार में आकर अपना जान दिया, अपना शरीर हमारे लिए दिया, अपना लहू हमारे लिए दिया। प्रभु उसके लिए मैं आभारी हूँ पिता। प्रभु ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन विश्वास रखने के लिए तुझ पर, उद्धार पाने के लिए मदद कर, अनंत जीवन में तेरे साथ स्तुति करने के लिए सहायता कर। जितने लोग अपना उद्धार को भूल कर और भी पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, शराब व्यभिचार कर रहे हैं, उन सबको माफ़ कर पिता, तेरे लहू से धोकर पवित्र कर पिता, उनके पापों से छुड़ा। प्रभु तेरे साथ फिर संगति बनाए रखने के लिए मदद कर। ये प्रार्थना सुन और आशीष दे परमेश्वर, यीशु मसीहा के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अपना उद्धार को बचाए रखिए, मत कहिए मैं उद्धार पाया हूँ, मैं हर दिन पाप कर सकता हूँ, माफ़ी मांग सकता हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है। ऐसा करना सही नहीं है। आपका उद्धार को आप प्रोटेक्ट करना है, हर दिन वचन पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की संगति में रहना आपको बला है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।